नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट रायता। रायता तो बहुत तरह के बनते हैं और उसमें आज हम दिखाने जा रहे हैं फ्रूट रायता। और इसके लिए हमने लिया हुआ है दही करीब 500 ml यानी आधा किलो। और ये दही हमने, ये हमारा दही खट्टा नहीं है बिल्कुल भी। और ये हमने पैकेट वाला दही लिया है, ये आप घर में भी जमा सकते हैं। और ये हमने फ्रूट लिया हुआ है, फ्रूट भी हम बहुत ज़्यादा से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। इसमें हम 2 केले, 2 सेब, 1 अनार और थोड़ा पपीता, इन सबको हम धो के साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। और ये ठंडा दूध इसलिए मिला रहे हैं कि इससे हमारा जो फूड डालेंगे उसके बाद इसी हमारा खट्टा होने की प्रक्रिया रोक देगा। और इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं, आप इसकी जगह सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, काली मिर्च ये क्रश की हुई, और ये जीरा पाउडर। और अगर आप व्रत में खाना चाह रहे हैं तो उसमें आप काला नमक नहीं डालेंगे, तो उसकी जगह आप सेंधा नमक डाल देंगे। सबसे पहले हम फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लेंगे। हमने ये सारे फल काट लिए और इनको हमने बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। रायते में बहुत बड़े टुकड़े फल के नहीं अच्छे लगते हैं, इसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है इस टाइप से। और हमने कुछ पत्ते पुदीने के भी ले सकते हैं, और हमने धनिया के पत्ते लिए हैं। सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, चीनी हमारी 2 चम्मच है। और इसमें हम दूध डाल लें, दूध से हमारा ये दही खट्टा नहीं होगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हम 500 ml दही में करीब 2 ही चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी हल्का सा एक मिठास आने के लिए डाल रहे हैं, और इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है हमें। और दही हमारा फिट गया है। अब एक हम बर्तन में लेके इसमें सारे फ्रूट्स अब इसको मिक्स कर लेंगे। हमने सारे फ्रूट्स को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम दही डाल देंगे। अब इसमें हम काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और थोड़ा सा आप काला नमक या सेंधा नमक डालते हैं। सेंधा नमक डालेंगे तो आप व्रत में भी इसको खा सकते हैं। नमक हम बहुत हल्का डाल रहे हैं, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारा फ्रूट रायता। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।